नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे IPL 2019 से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, इसका वीडियो दोस्तों हमने एक पहले भी बना दिया है, तो उसका लिंक आपको यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा जो पहले IPL GK का वीडियो है वो संपूर्ण वीडियो देखें। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आपका टेस्ट लेने जा रहे हैं, यानी IPL 2019 का लाइव टेस्ट हम लेंगे। तो इस टेस्ट में दोस्तों 30 प्रश्न होंगे, तो 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वह आप हमें पूरा टेस्ट देखकर नीचे कमेंट करके बताएं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएं मैं आपको 3 सेकंड का समय दूंगा, तो 3 सेकंड में आपको नीचे आंसर कमेंट करके बताना है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, तो सभी दोस्तों को साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच पाए, तो सभी लोग ये टेस्ट दे पाएं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी टीम IPL का एक भी खिताब नहीं जीत पाई है। तो कौन सी टीम नहीं जीत पाई है, तो ऑप्शन है दोस्तों राजस्थान रॉयल्स, किंग्स इलेवन पंजाब, सनराइज हैदराबाद या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी टीम है जो अभी तक एक भी IPL नहीं जीत पाई है। तो आपके 3 सेकंड शुरू होते हैं अब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा किंग्स इलेवन पंजाब। तो किंग्स इलेवन पंजाब अभी तक एक भी IPL का मैच नहीं जीत पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 में उपविजेता रही चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कितनी बार चैंपियन रह चुकी है। तो चेन्नई सुपर किंग्स है वो कितनी बार विजेता रह चुकी है, ऑप्शन है 3 बार, 2 बार, 1 बार या 5 बार। टाइम शुरू होता आपका अब, नीचे कमेंट करके बताएं कि आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा 3 बार, चेन्नई सुपर किंग्स अब तक 3 बार विजेता रह चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी RCB अब तक कितनी बार IPL का खिताब जीत चुकी है। ऑप्शन है 2 बार, 1 बार, 5 बार या 1 बार भी नहीं। टाइम शुरू होता है अब आपका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1 बार भी नहीं, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अभी तक एक भी IPL मैच नहीं जीत पाई है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी आप जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ आप तक पहुँच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2019 में गैरी क्रिस्टियन किस टीम के मुख्य कोच थे। तो किस टीम के थे, ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, सनराइज हैदराबाद या चेन्नई सुपर किंग्स। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, यानी RCB के गैरी क्रिस्टियन ये मुख्य कोच थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है IPL 2019 में सबसे अधिक 52 छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शन है क्रिस गेल, हार्दिक पांड्या, पोलार्ड और आंद्रे असल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आंद्रे रसल। तो आंद्रे रसल ने 52 छक्के जड़ने के साथ ही IPL 2019 में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड बना लिया है। वैसे दोस्तों अभी तक सभी मैचों में या सभी IPLों में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी के हैं वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है, अभिनेत्री प्रीति जिंटा किस टीम की सह मालकिन है। तो किस टीम की सह मालकिन है, किंग्स इलेवन पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या दिल्ली कैपिटल्स। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा किंग्स इलेवन पंजाब। तो प्रीति जिंटा है वह किंग्स इलेवन पंजाब की सह मालकिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है दोस्तों किस टीम की तरफ से खेलते हुए संजू सैमसन ने IPL सीजन 12 में शतक जड़ा है। तो किस टीम की तरफ से खेलते हुए संजू सैमसन ने शतक जड़ा है, यानी संजू सैमसन किस टीम के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है किंग्स इलेवन पंजाब, दिल्ली कैपिटल, राजस्थान रॉयल, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर दोस्तों होगा क्या, किंग्स इलेवन पंजाब। तो संजू सैमसन ने किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से खेलते हुए शतक जड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL के इतिहास में सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। अमित मिश्रा, इमरान ताहिर, आर अश्विन या लसिते मलिंगा।
जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों लसिथ मलिंगा। तो आईपीएल के इतिहास में अभी तक जो 12 सीजन का आईपीएल हुआ है उन सभी आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट हैं वह लसिथ मलिंगा के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2019 में गेम चेंजर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया है? तो गेम चेंजर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया है? इमरान ताहिर को, हार्दिक पांड्या को, दीपक चाहर को या राहुल चाहर को? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा राहुल चाहर। तो ये खिताब राहुल चाहर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आईपीएल 2019 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे दिया गया है? तो आईपीएल 2019 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब दिया गया है आंद्रे रसेल को, अजिंक्य रहाणे को, शुभमन गिल को या हार्दिक पांड्या को? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को यह अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईपीएल सीजन 12 में एक ही पारी में सबसे अधिक रन यानी 114 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल, विराट कोहली, जॉनी ब्रेस्ट्रो या केएल राहुल? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा जॉनी ब्रेस्ट्रो। तो जॉनी ब्रेस्ट्रो ने 114 रन सबसे अधिक रन एक पारी में बनाने वाले खिलाड़ी हैं जॉनी ब्रेस्ट्रो। नेक्स्ट है, सुरेश रैना को पछाड़कर आईपीएल में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? कौन है? डेविड वार्नर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी या आंद्रे रसल? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विराट कोहली। तो ये सुरेश रैना को पछाड़कर आईपीएल के इतिहास में अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? विराट कोहली। ये दोस्तों आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक भी नीचे दिया है, वह जरूर देख लें जिससे आपके सभी क्वेश्चन सही हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आईपीएल में सबसे अधिक विकेट लेने वाले को किस रंग की कैप दी जाती है, किस रंग की टोपी दी जाती है? तो ऑप्शन है ग्रीन कैप, पर्पल कैप, ब्राउन कैप या रेड कैप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा पर्पल कैप। तो पर्पल कैप इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पर्पल कैप इस बार किस खिलाड़ी के पास है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। इतने में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था? 2006 में, 2009 में, 2002 में या 2008 में? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया 2008 में। तो 2008 में आईपीएल का पहला संस्करण आयोजित किया गया था जिसकी विजेता टीम कौन सी टीम रही थी? राजस्थान रॉयल्स इसकी विजेता टीम रही थी। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल सीजन 12 में महेला जयवर्धने किस टीम के मुख्य कोच थे? तो महेला जयवर्धने जो तो श्रीलंका के हैं, ये किस टीम के मुख्य कोच थे? मुंबई इंडियंस के, चेन्नई सुपर किंग्स के, राजस्थान रॉयल्स के या दिल्ली कैपिटल्स के? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। तो मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच थे। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल सीजन 12 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच कौन थे? तो आईपीएल सीजन 12 में कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच थे रिकी पोंटिंग, स्टीवन फ्लेमिंग, सचिन तेंदुलकर, जैक्स कालिस। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों जैक्स कालिस। तो जैक्स कालिस हैं ये कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर के मुख्य कोच थे। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल सीजन 12 में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? तो कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था? 10 टीमों ने, 12 टीमों ने, 8 टीमों ने या 14 टीमों ने? कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था जल्दी बताइए। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 8 टीमों ने। तो आईपीएल सीजन 12 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, 21 अप्रैल को किस देश के राष्ट्रपति आईपीएल मैच देखने के लिए भारत आए थे? तो किस देश के राष्ट्रपति आईपीएल मैच देखने के लिए भारत आए थे? तो वह श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। तो मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वह आईपीएल मैच देखने के लिए भारत आए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आईपीएल सीजन 12 में कुल कितने खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी? 80, 90, 60 या 110? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
60 खिलाड़ियों की, आईपीएल सीजन 12 में कुल 60 खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, आईपीएल 2019 कौन सा संस्करण था, यानी आईपीएल का यह कौन सा इंडियन प्रीमियर लीग का कौन सा संस्करण था। ऑप्शन है 11वां, 12वां, 13वां या 14वां। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर हो गया 12वां, आईपीएल 2019 12वां संस्करण था। नेक्स्ट है, आईपीएल 2019 का आयोजन कब से लेकर कब तक किया गया था। तो कब तक किया गया था, तो आईपीएल 2019 का आयोजन है, ऑप्शन है 23 अप्रैल से 12 मई तक, 26 मार्च से 11 मई तक, 23 मार्च से 12 मई तक, 12 मार्च से 12 मई तक। जल्दी आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च से 12 मई तक, यानी 23 मार्च से 12 मई तक इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2019 की उपविजेता कौन सी टीम रही है। तो आईपीएल 2019 की जो उपविजेता टीम रही है, ऑप्शन है सनराइज हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स या मुंबई इंडियंस। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा सीएसके, यानी चेन्नई सुपर किंग्स है वह उपविजेता टीम रही है, विजेता रही है, मुंबई इंडियंस टीम विजेता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलानिधि मारन निम्न में से किस टीम के मालिक हैं। तो कलानिधि मारन है यह सनराइज हैदराबाद के, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के, राजस्थान रॉयल्स के या किंग्स इलेवन पंजाब के। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यह सनराइज हैदराबाद के मालिक हैं, तो इसका ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक कौन है, शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा, मनोज बदाले या जय मेहता। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मनोज बदाले, तो राजस्थान रॉयल्स टीम के मालिक कौन है, मनोज बदाले। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे मिला है। तो यह खिताब किसे मिला है, ऑप्शन है विराट कोहली, आंद्रे रसेल, शुभमन गिल, महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, आईपीएल 2019 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन का खिताब किसे मिला है, तो किसे मिला है बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो गया आंद्रे रसल को, तो आंद्रे रसल को यह किताब मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल के फर्स्ट सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले को किस रंग का कैप दिया जाता है, किस रंग का कैप दिया जाता है, ऑरेंज कैप, पर्पल कैप, येलो कैप या ब्लू कैप, बताइए जल्दी से। तो उन्हें ऑरेंज कैप दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑरेंज कैप, यानी आईपीएल के सीजन में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया जाता है, तथा पर्पल कैप दिया जाता है जो सबसे अधिक विकेट लेता है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2019 में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन है, जयदेव उनादकट, वरुण चक्रवर्ती, ए बी दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए एवं बी दोनों, तो ए और बी यानी जयदेव उनादकट और वरुण चक्रवर्ती सबसे महंगे बिकने वाली खिलाड़ी है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, आईपीएल 2019 का शुभारंभ कहाँ किया गया था, कहाँ पर किया गया था, यानी जो पहला मैच है 23 मार्च का शुभारंभ है वह कहाँ पर किया गया था। एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में, ईडन गार्डन कोलकाता में, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में या फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में। तो कहाँ पर किया गया था, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई, तो इसका राइट आंसर चेन्नई में किया गया था। नेक्स्ट है, आईपीएल 2019 का समापन मैच कहाँ पर खेला गया था, यानी जो आखिरी मैच है, समापन मैच है, वो कहाँ पर खेला गया था। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद, ईडन गार्डन कोलकाता या फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद। तो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में आईपीएल का फाइनल मैच है यह खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2019 के विजेता टीम को कितने करोड़ रुपए की इनाम राशि प्रदान की गई है। तो विजेता को कितनी की गई है, 15 करोड़, 25 करोड़, 10 करोड़ या 20 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बता दीजिए।
विजेता टीम को कितनी राशि दी गई है? तो 20 करोड़ रुपए की राशि विजेता टीम को दी गई है। तो उपविजेता टीम को कितनी राशि दी गई है वो दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो सभी दोस्त नीचे कमेंट करके ये भी बताएं कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, तो हम आगे और ऐसे लाइव टेस्ट आपके लिए लेकर आते रहें या नहीं, ये भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकन घंटे का निशान बना हुआ है उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिस तक आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएं तुरंत आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।